जय हिंद साथियों। साथियों, आज हम लेकर हाजिर हैं बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है, शिक्षण की स्थिति में शिक्षक की भूमिका को लिखें। मतलब साथियों कि शिक्षण की स्थिति में, यानी कि एजुकेशन की स्थिति में क्या एक शिक्षक की रोल होना चाहिए, एक रोल टीचर का टीचिंग में क्या होना चाहिए, यानी कि रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग। तो शिक्षण की स्थिति में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, उसका आंसर हम लेकर हाजिर हैं। तो आप गौर करेंगे इधर, शिक्षण एक कला है। जी हाँ, आप टीचिंग कर रहे हों या टीचिंग करने वाले हैं, फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए एक बहुत ही बढ़िया आर्ट है। शिक्षक सदैव समाज में पूजनीय रहा है। जरा इसको जूम करते हैं ताकि और क्लियर आपको नजर आए। फिलहाल समझिए, शिक्षण करना क्या है, एक कला है, एक आर्ट है, और शिक्षक हमेशा, याद रखिए, पूजनीय होते हैं। जरा इसको जूम करके हम लोग पढ़ेंगे इसको, ताकि आप इसको क्लियर देख पाएं। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, जैसा कि आपको पीछे हम दिखाएं कि शिक्षक एक हमेशा पूजनीय होता है, और शिक्षण करना यानी कि टीचिंग करना एक कला होता है। कहीं इसे शिक्षक, कहीं गुरु, कहीं अध्यापक, जी हाँ, कहीं इसे शिक्षक के नाम से जानते हैं, कहीं इसे गुरु के नाम से जानते हैं, और कहीं इसे अध्यापक और टीचर के नाम से भी पुकारा जाता है। लेकिन सभी का कार्य समाज का पथ प्रदर्शक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, सिखाने वाला एक आदर्श के रूप में रहा है। देखिए, एक टीचर को हम लोग अलग अलग नाम से क्यों ना पुकारें, कोई अध्यापक बोले, कोई शिक्षक बोले, कोई गुरु बोले, लेकिन अगर सबको देखा जाए तो सबका एक ही कार्य है, वो समाज के लिए पथ प्रदर्शक, समाज में कैसे रहना है, समाज के लोगों से कैसे अपना बिहेवियर करना है, और मार्गदर्शक के रूप में, एक सिखाने वाला आदर्श के रूप में रहा है। यानी कि उनको हम अलग अलग नाम से क्यों ना जाने, लेकिन सबका काम एक ही है, उस समाज में एक अच्छे इंसान बनना, एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में शामिल होना। फिर आगे लिखता है कि शिक्षण समाज का दर्पण होता है। बिल्कुल, टीचिंग क्या है, एक समाज का एक दर्पण होता है। जैसे आप अपना चेहरा को दर्पण के सामने रखकर अपने चेहरा निहारते हैं, सेम वही अगर समाज में अपने आप को एक आईने की तरह देखना है, तो शिक्षण उसमें सबसे प्रमुख है। यह राष्ट्र निर्माता होता है। बिल्कुल सही, यह राष्ट्र का निर्माण होता है। अगर आप एजुकेटेड हैं, आप शिक्षित हैं, तो उससे आप अपने एक सच्चे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षक अंधकार से उजाले की तरफ जाने वाला होता है, यानी कि शिक्षक ही है जो बुरी रास्ता से सही रास्ते, वही को लिखा है, अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाले होते हैं। माता पिता के बाद यदि इस संसार में कोई पूजनीय है तो वह शिक्षक है। बिल्कुल सही, आपको पता होना चाहिए कि आपका सबसे सर्वप्रथम शिक्षक के रूप में माता पिता है, क्योंकि माता पिता आपको सबसे पहले उन्हीं को से कुछ सीखने को मिलता है, उन्हीं से आपको सबसे पहली ज्ञान मिलती है। तो माता पिता जो है सबसे पहले आपके शिक्षक शिक्षण के रूप में आते हैं, और माता पिता के बाद किसी का नंबर आता है इस संसार में तो वह है आपका शिक्षक, वो है आपके टीचर। प्राचीन काल से ही शिक्षक के सामने सबसे बड़ी चुनौती कक्षा कक्ष में शिक्षण को प्रभावशाली, रुचिकर बनाए रखना रहा है। यानी कि शिक्षक जो है, प्राचीन काल से ही ये उनका कोशिश रहा है कि कक्षा कक्ष का मतलब होता है क्लासरूम, ये कक्षा कक्ष लिखा है, तो कक्षा कक्ष का मतलब क्या, क्लासरूम में शिक्षण को, यानी कि किस तरीके से पढ़ाया जाए, प्रभावशाली बनाया जाए, कि उसको ना रुचि बनाया जाए, यानी रुचिकर बनाकर पढ़ाना, यानी कि ऐसा ना पढ़ाई करवाना एक बच्चों को ताकि वो इंटरेस्ट लेके पढ़े, एकदम पढ़ने में मजा आए उसको, जिस तरीके से खेलने में उसको इंटरेस्ट आता है। तो वैसे ही कुछ शिक्षक द्वारा कक्ष में निम्नलिखित प्रयास करना चाहिए। अब देखिए, शिक्षक को, एक शिक्षक आप फ्यूचर में बनने वाले हैं, तो आपको सामने बड़ी चुनौती है कि एक शिक्षक को
क्लासरूम में, कक्षा कक्ष में अपना क्या क्या व्यवहार या अपने आप को किस तरीके से पेश आना चाहिए एक बच्चों के सामने, ताकि बच्चों के अंदर वो एनर्जी आए कि वो पढ़ने के लिए पूरा उत्सुक हो। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट है अध्यापक को शिक्षण कार्य में मित्रता बनाना। बिल्कुल सही, आप अपने बच्चों के साथ जिसको आप शिक्षा दे रहे हैं उसके सामने एक फ्रेंड के जैसा, एक दोस्त के भांति रहिए, ताकि बच्चा जो है ना आपके साथ कोई भी क्वेश्चन पूछने में हिचकिचाए नहीं और आपसे वो सीधा सा सवाल पूछ सके जो उसके मन में क्वेश्चन बन रहा हो। अगर आप उसके सामने एक डरावना टाइप का, अगर आपसे बच्चे ज़्यादा ही डर रहे हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हमेशा मित्र ही रहिए, थोड़ा सा बच्चों में भय भी होना चाहिए, ताकि आप कुछ बच्चे भैंस भी पढ़ते हैं, लेकिन अब उतना भी नहीं कि सभी बच्चे पर उसका बुरा प्रभाव पड़ने लगे। तो यहाँ लिखा है अध्यापक को शिक्षण कार्य में मित्रता बनाना, जो कि पहला पॉइंट है। आप क्लास में जाएं तो एक फ्रेंड के जैसा बिहेव करें, फ्रेंड के जैसा, ताकि बच्चे खुलकर सवाल पूछ सकें। दूसरा है अध्यापक अपना पीरियड्स रोजाना ले, यानी कि जो घंटी वाइज घंटी होती है, पहली घंटी अगर मैथ्स की लग रही है तो उन टीचरों को ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम रोजाना ले, पर डे अपना पीरियड्स, अपनी घंटी, चाहे जो भी सब्जेक्ट का हो उड़ ले, ताकि बच्चों के अंदर ये गलत धारणा नहीं आए कि हम लोगों को क्लास नहीं होते हैं। अब ये रहा, आप अगर पीरियड्स अपना ले रहे हैं, अपना घंटी को में प्रेजेंट हो रहे हैं, तो भले ही आप एक दो टॉपिक्स ही पढ़ाइए, लेकिन बच्चों के अंदर वो सोच आ जाएगा कि नहीं भाई आज तो हम लोगों को सर पढ़ाए हैं। तो इस तरीके से आपको दूसरा में ये भी शामिल करना चाहिए कि अपना काम जो है, अपना पीरियड्स रोज लें। तीसरी है शिक्षण के कार्यों को उदाहरण या काने द्वारा समझाएं, यानी कि जो भी शिक्षण में कोई उदाहरण देना है या फिर कुछ और कॉन्सेप्ट को समझाना है तो उसको कहानी द्वारा आप समझा सकते हैं। और नंबर फोर है बच्चों को भी पढ़ाने का मौका दें। जैसे मान लिया जाए कि हम 2+2 अगर बच्चा को सिखा रहे हैं तो हम समझा दिए कि कैसे जोड़ना है, अब क्या करना है कि कुछ बच्चों को सेलेक्ट करके और उनको बोर्ड पे बुलाएं और बोर्ड पे उनसे ऐड करवाएं, तो ये भी एक अच्छा उनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, ताकि वो भी किसी को शिक्षा दे सकते हैं। तो बच्चों को भी पढ़ाने का मौका दे का मतलब ये हुआ कि आप जिन चीज़ों को समझा दिए कुछ बच्चों को बोर्ड पे उनको बुलाइए और उनको बोर्ड पे सॉल्व करवाइए, ताकि उनके अंदर झिझक की भावना हटेगी और वो भी किसी को फ्यूचर में शिक्षा दे सकते हैं। और पांचवा है सिखाते समय विषय वस्तु को दोहराना। अब मान लीजिए कि किसी भी चीज़ को हम समझा रहे हैं तो एक ही बार नहीं, उसको 2-3 बार रिपीट कर दें, क्योंकि कुछ बच्चों का ध्यान नहीं भी रहे तो लोग दोबारा तिबारा में सुन सकें, तो दोहराने की प्रक्रिया बिल्कुल होनी चाहिए। और नंबर 6 है बच्चों के मनोबल बढ़ाएं, हमेशा उनको मोटिवेट करें कि चलो भाई पढ़ाई क्या होता है, पढ़ाई करके आप लोग क्या करेंगे, तो इस तरीके से उनके अंदर ये मनोबल की भावना बढ़ेगी और उनके अंदर की शक्ति वो आएगी जो मेहनत कर सके वो लोग। और नंबर 7 है कक्षा में घूम घूम कर पढ़ाएं। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, आगे चेयर लगा रहता है। पहले तो ये रूल्स ही हटा देना चाहिए कि क्लासरूम में चेयर न रहे। नहीं, चेयर रहने से बहुत सारे टीचर क्या होता है ना, आगे बैठ जाते हैं और पीछे वाले बच्चों पर फोकस उनका नहीं रह पाता है। तो इसलिए एक बिहेवियर टीचर को ये होना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए कि वो क्लास में क्या करें, घूम घूम कर पढ़ाएं, ताकि सभी बच्चे को उनके कांटेक्ट में रहें। और नंबर 8 है गृह कार्य अवश्य दें एवं चेक करें। बिल्कुल सही, गृह कार्य का मतलब होमवर्क। होमवर्क जरूर से जरूर देना है, इसलिए क्योंकि अगर आप होमवर्क्स नहीं देंगे किसी स्टूडेंट को तो वो लोगों के अंदर एक प्रेशर नहीं रहेगा घर पे पढ़ने को। और अगर मान लिया जाए आप दे भी दे रहे हैं होमवर्क और फिर उसको चेक नहीं कर रहे हैं, तो फिर बच्चों के अंदर ये भावना रहेगा कि सर तो हम लोगों का या फिर मैडम तो चेक नहीं करते हैं। इसलिए रोज पर डे चेक करें, तो ये 8वां नंबर प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर नाइन में है साथियों पूर्ण तैयारी के साथ कक्षा में जाए। बिल्कुल सही, जैसे मान लिया जाए कि आप कुछ ऐसा थ्योरी या ऐसा कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं जो आपको अगले क्लास में पढ़ाना है, तो आप घर पे ही उसको किसी न किसी तरीके से सीख के जाए, ताकि आपको क्लास में बच्चों के सामने अगर आप कहीं क्वेश्चन में फंसते हैं तो गिल्टी फील नहीं हो, अपने आप को गलत फीलिंग नहीं आए, इसलिए आप पूर्ण तैयारी करके जाएं, चाहे जो कुछ भी पढ़ाना है।
और नंबर 10 है जो कि लास्ट है, सरल स्पष्ट एवं मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि आप पूरा समझने वाले हैं ही नहीं, समझने वाले सब स्टूडेंट हिंदी है और हम उर्दू और फारसी में बोले जा रहे हैं तो फिर बच्चों के अंदर ये समझ भावना आएगी नहीं। तो सरल और स्पष्ट और मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज में भी आप पढ़ा सकते हैं, बशर्ते बच्चे को वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए, वो भाषा उनको समझ आनी चाहिए। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर ये था मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो आपके बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होते हैं। तो दोस्त आई होप कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझे होंगे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में, अगले वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद।